Good morning, class. Today we are going to continue our chapter, the recent development in the Indian politics. Okay, and today's topic is era of coalition. That everybody knows about the coalition. That what do you understand by the coalition government? As I already told you, that where the one party is not able to get the majority, then that party or the other party coalesce or ally with each other and form the government. Yeah, the minority party share their votes with the majority party and form the government. That is called your coalition government. Beta, after the 1989, no one party to able to get the highest majority, or you can say clear majority. तो क्या होता था, उसके बाद आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट आती थी, गठबंधन की सरकार आती थी. ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेन चीज क्या रही. मेन यहाँ पे आया कि कोई भी पार्टी में क्लियर मेजोरिटी में नहीं आई और कोएलिशन की गवर्नमेंट आती रही. ठीक है, इलेक्शन इन 1989 लीड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बट नीड नॉट रिजल्ट इन ए मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी. दो द कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, इट डिन नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी एंड देयर फोर इट डिसाइड टू सेट इन द अपोजिशन. उस टाइम पे क्या बेटा, किसी भी कंट्री के पास, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, लेकिन वो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी. ठीक है, and therefore it decided to sit in the opposition. तो कांग्रेस ने क्या किया, डिसाइड किया दैट द कांग्रेस सिट इन द अपोजिशन इन द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट में एज ए अपोजिशन पार्टी की तरह काम करेगी. द नेशनल फ्रंट विच इट सेल्फ वॉज एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम अदर रीजनल पार्टीज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पोलिटिकल ग्रुप्स द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट ऑन द बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट. अब बेटा क्या है कि 1989 में क्या हुआ, किसकी गवर्नमेंट बनी बेटा, नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट. किसी को भी क्या नहीं मिला, आपका क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला. बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट ने मिलकर, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट ने मिलकर क्या की, आपकी नेशनल फ्रंट फॉर्मेशन की. ठीक है, और बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस. हियर बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून. एज आई टोल्ड यू आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल द कार्टून, बट हियर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, यू कैन सी द पॉलिटिक्स एट द टाइम पॉलिटिक्स. ये क्या है आपकी बेटा, ये आपकी क्या है, कोएलिशन पार्टी है कि ये क्या करेंगे, आउटसाइड से डिसीजन किनका होगा, इनका. ठीक है, इन लोगों का. ये है आपके ज्योति बासु, ये है लाल कृष्ण अडवाणी. ठीक है, और ये आपके बेटा कौन है, वीपी सिंह. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन इनको हैंडल किसने किया है, एक बेटा ये कठपुतली की तरह काम करेंगे, किसकी मानेंगे, ज्योति बासु की और लाल कृष्ण अडवाणी की. ठीक है, चलो आगे हम करते हैं. द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम. डू यू रिमेम्बर द डिस्कशन इन चैप्टर 5 अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. बेटा नाउ इज सेइंग that after the 1989 election it is proved that now the congress dominance has been finished. ki ab kya ho chuka hai, congress ka prabhutva jo era one party dominance tha wo khatam ho chuka hai. ab jo other government hai ya to agar majority mein aati hai, congress majority mein bhi aati hai to bhi usko clear majority nahi milti hai na, coalition ki government banti hai, अदरवाइज वो मेजोरिटी में आती ही नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या है कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो खत्म हो चुका है. और ये अभी आपको ये क्या कहता है कि 5th चैप्टर में आपने ऑलरेडी
क्या रिस्टोरेशन आप पढ़ चुके हो? रिस्टोरेशन का मतलब जैसे बेटा कांग्रेस पार्टी क्या हो गई थी, डिफीट होने लग गई थी, लेकिन बाद में फिर से कैसे कांग्रेस पार्टी रिस्टोर हुई, कैसे उसने मेजोरिटी गेन की, कैसे इलेक्शन में वो मतलब उसने गवर्नमेंट बनाई, वो सारा ठीक है। वे बैक इन द लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज चैलेंज्ड, बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंदिरा गांधी मैनेज टू री इस्टेब्लिश इट्स ये प्री डोमिनेंट पोजिशन इन पॉलिटिक्स। अब क्या है कि इंदिरा गांधी की हेल्प से अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंदिरा गांधी द कांग्रेस पार्टी रिस्टोर्ड है ना बेटा एंड गेट देयर पोजिशन, जो उसकी पोजिशन थी दोबारे से उसने वही पोजिशन को गेट कर लिया। किसकी अंडरशिप में, किसकी लीडरशिप में बेटा? इंदिरा गांधी के लीडरशिप में। ओके, द 90s सा गेट अनदर चैलेंज टू द प्रीडोमिनेंट पोजिशन ऑफ द कांग्रेस। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द एमर्जेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इन इट्स प्लेस। अब बेटा क्या था, अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कांग्रेस को जब मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, किसी अनदर पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि एक अगर कोई टू पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पे मेजोरिटी एक पार्टी को नहीं मिलती तो दूसरी को मिलती है। लेकिन एज यू नो इन द इंडिया नॉट सिंगल पार्टी सिस्टम इज देयर, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो वो जो वोट से वो बहुत सारी पार्टी में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दस बिगेन एन ईरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब किसका टाइम पीरियड शुरू हुआ बेटा? मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब हर एक पार्टी का रोल पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गया। कैसे बेटा? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो क्या नहीं कर पा रही थी, क्लियर मेजोरिटी नहीं गेन कर पा रही थी। टू बी श्योर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्ट इलेक्शन इन आर कंट्री। आ पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिक्स पार्टीज, वट हैपन्ड आफ्टर 1989 वॉज द एमरजेंस ऑफ द सेवरल पार्टीज इन सच ए वे दैट वन और टू पार्टीज डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ द वोट्स और सीट्स। दिस ऑल्सो मीन दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन हेल्ड सिंस 1989 टिल 2014। It is the recent development in the politics of India that after the 1989 election to till 2000 election, no one party get the clear majority. किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली कब से कब तक बेटा? 1989 के इलेक्शन से लेकर 2014 के इलेक्शन तक, ठीक है। ये क्या था, एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था इंडिया के रिसेंट पॉलिटिक्स में, क्लियर। नेक्स्ट वन इज बेटा दिस डेवलपमेंट इनिशिएट एन ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंस। अब ये क्या हुआ, जब बेटा कोई भी पार्टी क्या क्लियर मेजोरिटी नहीं गेन कर पा रही थी तो उस टाइम रीजनल पार्टी की हेल्प से क्या करना क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट फॉर्म होनी शुरू होगी सेंटर सेंट्रल में, सेंटर गवर्नमेंट में। जैसे बेटा कोएलिशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, एट प्रेजेंट बीजेपी और जेजेपी जो आपकी पार्टी है, जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की, उसके कोएलिशन में हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है ना बेटा। तो यही आपको दिखा रहा है कि आफ्टर द 1987 After the 1989, there was no party who get the clear majority. Okay? Next one is alliance politics. कि कैसे alliance करते हैं, कैसे हम अपने votes को दूसरे के साथ share करते हैं और आपका coalition government form होती है, ठीक है। The 90s also saw the emergence of powerful parties and movement that represented the Dalit and backward caste. Other backward class or OBC. Many of these parties representative powerful regional aspiration as well. Assertion as well. अब ये क्या कहते हैं कि 90s में क्या देखने को मिला कि जो बहुत सारी parties हैं, बहुत सारी आपके जो movements हैं, वो किस चीज़ को
मतलब किसके बिहाफ पे थे, दलित के, बैकवर्ड क्लास के और जो ओबीसी वगैरह है। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बीएसपी, जो बीएसपी है इट इज फॉर्म्ड ऑन द ओबीसी एससी एंड बीसी। वो किस पे, मतलब जो मेन पॉइंट ऑफ द बीएसपी इज दैट दैट दे विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, है ना बेटा। तो उसका मेन पॉइंट क्या है कि वो क्या करेगी, बैकवर्ड क्लासेस को इम्प्रूव करेगी, है ना। मैनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड ए पावरफुल रीजनल एसोसिएशन एज वेल। दीज पार्टीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट कम टू पावर इन 1996। द यूनाइटेड फ्रॉम वर्स सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 फॉर इट्स इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। The United Party, United Front Government was supported by the Congress. है ना बेटा, Front of 1989 for it included Janata Dal and several regional parties. This time the BJP did not support the government and the United Front Government was supported by the Congress. This shows how unstable the political equations were. यहाँ पे ये बेटा आपको क्या दिखा रहा है, with the help of these examples he is want to show you that about the political system at present, that which type of government was formed with the help of regional parties. ओके कि कैसे एक पार्टी, कोई भी पार्टी एबल नहीं थी क्लियर मेजोरिटी गेट करने के लिए और कैसे कोएलिशन की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, ठीक है। दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिक्स इक्वेशंस वर। इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। बेटा यहाँ पे क्या है, 1989 की जब बात हो रही है, देखो बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्ट द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को किसने बेटा हेल्प की, सपोर्ट किया, बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट, क्यों, बिकॉज दे वांट टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। In 1996, the left continued to support the non-Congress government, but this time the Congress supported it as both the Congress and left wanted to keep the BJP out of the power. समझ में आया ये चीज क्या है कि बेटा कैसे, अभी देखो फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था 1989 का, उस टाइम फ्रंट पार्टी और सेकेंड थिंग क्या है बीजेपी पार्टी का कोएलिशन बना हुआ था, बट आफ्टर द 1989 इलेक्शन, इन द 1996 इलेक्शन जो कांग्रेस, जो आपकी फ्रंट पार्टी थी, लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी और जो कांग्रेस थी, अब उनका क्या, वो अब अलाय कर गई और अब उनका क्या मोटिव बन गया, मेन मोटिव कि किसको बाहर रखा जाए पावर से, बीजेपी, ठीक है, क्लियर। इट मीन्स एज आई टोल्ड यू इन many times that beta in the politics nothing is permanent, everything is temporary, it is depend on our interest that where is as our interest will be completed we have to go there, है ना। पॉलिटिक्स क्या होती है, जहाँ हमारे हित पूरे होते हैं, हमारे काम पूरे होते हैं, जहाँ से हमें फायदा होता है हमें वहां से अपना फायदा लेना होता है, ठीक है। It emerged as the largest party in the 1996 election, beta, listen, and they did not succeed for long as the BJP continued to consolidate its position in the election on 1991 and 1996. It emerged as the largest party in the 1996 election. जो BJP है वो क्या कर रही है, अपनी power को मजबूत करती आ रही है and was invited to form the government. 1996 में बीजेपी को क्या किया, इनवाइट किया किसके लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड देयर फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर द मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब क्या है बेटा कि जैसे बहुत सारी पार्टीज जो आपकी रीजनल पार्टी थी या अदर पार्टीज थी जिसके साथ हम शेयर करके अपनी वोटिंग शेयर कर सके गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी पार्टीज इनके अगेंस्ट थी, तो इसने अपनी
सिक्योरिटी जो आपकी मेजोरिटी थी उसको खो दिया था लोकसभा में, क्योंकि अगर लोकसभा के एक बार गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद अगर आपके एमएलए और एमपी अपने इंटरेस्ट या यू कैन से अपनी शेयरेंस वापस ले लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है पार्लियामेंट। हे बेटा यू कैन से इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग ए कोएलिशन गवर्नमेंट फ्रॉम मे 1998 टू जून 1999। अब बेटा क्या हुआ, जो बीजेपी पार्टी है क्या हुआ, जब उसके पास मेजोरिटी थी आफ्टर गेटिंग द मेजोरिटी इन द 1998 इलेक्शन विद द कोएलिशन द बीजेपी फॉर्म ए गवर्नमेंट, ओके, बट इन 1999 द लोकसभा डिसॉल्व। वेयर बेटा एंड वाई, सी एंड वॉज री इलेक्शन इन अक्टूबर 1999। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दिस एनडीए गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1999 कम्प्लीट्स इट फुल टर्म। बना कब था बेटा, इन मे 1998, और आपका डिसॉल्व क्या होगा, कब हो गया, इन द जून 1999। इट मीन्स वो सिर्फ एक साल चला, क्यों चला बेटा, क्योंकि जो अदर रीजनल पार्टी या स्मॉल पार्टीज थी उनके साथ इनका अच्छा रिलेशन नहीं बन पाया, उन्होंने अपनी मेंबरशिप वापस ली, ठीक है। अब बेटा देखो ये कार्टून क्या शो कर रहा है, ये है इंदिरा गांधी आपके, और ये क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है, अब बीजेपी लगा सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे एक क्या कर रहा है, इंदिरा गांधी को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मारने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से इंदिरा गांधी को गिराने की, क्लियर। अब ये क्या है, कोएलिशन पार्टी है, मतलब ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर टिका हुआ है, कोएलिशन गवर्नमेंट है ना, तो अगर ये इसको मारना चाहती है तो अगर इनको नीचे वालों को क्या कर दे, हटा दे, तो ऑब्वियसली इसके गवर्नमेंट गिर जाएगी, सेम थिंग हुई, ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाले थे मतलब जो एमएलए थे एमपी से सेंटर में जो एमपी से उनको क्या कर दिया गया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बीजेपी की जो मेंबरशिप थी उसको छोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। Thus, with the election of the 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition government or minority government, supported by other parties which did not join the government. In this new phase, any government could be formed only with the participation or support of many regional parties. This applied to the National Front in 1989, the United Front in 1996 and 1997, the NDA in the 1997. The BJP-led coalition in 1998, in the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009. However, this trend changed in 2014 election. Matlab, after the 1989 election, से टिल 2014 के इलेक्शन तक ये कोएलिशन की गवर्नमेंट क्या करती रही, लगातार बनती रही, ठीक है। लेट अस कनेक्ट दिस डेवलपमेंट विद व्हाट वी हैव लर्न टू सो फार। द ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट मे बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। We saw in chapter 2 that in the earlier time, it was the Congress party itself that was a coalition of different interests and different social status and strata and groups. अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे example दिया हुआ है कि Congress के कैसे Congress में पहले बहुत सारे coalition था, किस चीज़ का, ideology का, वो Congress में जो ideology का कोएलिशन था उसी की वजह से बेटा कांग्रेस स्प्लिट हो जाती थी ना बार बार, ठीक है, तो वो अब किस में दिखाई देने लगा, इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। दिस गेव राइज टू टर्म कांग्रेस सिस्टम, और उसने क्या किया था, कांग्रेस सिस्टम की टर्म को रेज किया था, सबके सामने फेमस किया था। फ्रॉम हेयर यू कैन सी द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989,
कि मतलब यहाँ से कोएलिशन पार्टी, बेटा देखो कितने सारे आपके क्या रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, क्लियर? तो ये आपको एक बार रीड आउट करना है, इसकी रीडिंग लेनी है। We saw also in chapter 5 that especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress, fold and forming separate politics parties of their own. कि हमने क्या किया? In the chapter 5th, we already studied that how the Congress party became the origin of the new small parties. कि Congress party इसमें से बहुत सारी parties क्या हुई? Originate हुई, ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी को ओरिजिन पॉइंट माना जाता है उनका। वी ऑल्सो नोटेड द राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टी इन द पीरियड आफ्टर 1977। वाइल दीज डेवलपमेंट वी कैन द कांग्रेस पार्टी दे डिड नॉट अनेबल एंड सिंगल पार्टी टू रिप्लेस द कांग्रेस। अब क्या था बेटा, कांग्रेस एट द टाइम, कांग्रेस वॉज वेरी पावरफुल उस टाइम पे, कोई भी कंट्री या पार्टी आपकी ऐसी नहीं थी सिंगल पार्टी जो बन सके, किसको कम्पीट कर सके, कांग्रेस को, ठीक है? चाहे उसमें क्या हुआ, उसमें से बहुत सारी पार्टीज आपकी स्प्रेड हो गई हो या फिर कार्व्ड आउट हो गई हो, लेकिन उन सारी पार्टीज मतलब कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी वो इसको आपकी कांग्रेस को कम्पीट कर सके, ठीक है? तो ये था आपकी गवर्नमेंट, रिसेंट जो डेवलपमेंट आया है, रिसेंट चेंजेस आए हैं आपके इसमें पॉलिटिक्स में। क्या आया बेटा कि कैसे इतनी सारी पार्टीज रेज हुई, ओरिजन हुई, और आपकी जो पॉलिटिक्स है कैसी, एक पार्टी के हाथ से आकर कोएलिशन गवर्नमेंट में चली गई, और आफ्टर द 2014 यू कैन सी द सिस्टम ऑफ द बीजेपी, है ना? अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है ना बेटा, क्लियर मेजोरिटी के साथ। And till now, if any type of problem to anyone, then you can ask to me, beta. Okay? And from this video, find out your doubts and send to me. After that, I will solve your doubt. Okay?